आज हम देश के सबसे बड़े मुद्दे पे बात करने आए हैं आपको। अभी देश में कुछ चल रहा है तो आपको बता दे, सिम को लेकर चल रहा है, नेटवर्किंग को लेकर चल रहा है। BSNL सिम अब जो पूरी तरह से डूब रहा था, अभी देश में नंबर वन बनने वाला है। आपको बता दे कैसे, क्योंकि इसे जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से पहले आप सुने थे डोकोमो, एयरसेल और बहुत सारी कंपनियां जो छा चुकी थी पूरी तरह से भारत में, उसे विलीन होते देर नहीं लगा, क्योंकि उसके बीच आया जियो, उसके बीच आया आपका VI और उसके बीच आया एयरटेल। इन तीनों कंपनियों ने पूरी तरह से भारत पर राज कर लिया और सभी कंपनियों को डेड होने पे मजबूर कर दिया। जिस तरह का उन लोगों ने प्लान चलाया, प्लान क्या चलाया, पूरी तरह से 5G को फ्री कर दिया और आदत डलवाया। पहले क्या हम लोगों का आदत था, कपड़ा और मकान, लेकिन अब आदत पड़ाने पे मजबूर कर दिया अंबानी ने कि आप नेट भी चलाइए, नेट चलाइए, फ्री चलाइए। ऐसा आदत दिलाया नौजवानों को, ऐसा भारतवासियों को ऐसा आदत दिलाया कि वो अब मजबूर हो गए। और ये तीन कंपनियां मिलकर बैठकर उन्होंने एक मीटिंग किया और सारी टैरिफों पर उन्होंने डायरेक्ट धड़ल्ले से 25% रिचार्ज में बढ़ा दिया। मजबूरी ऐसी हुई कि पूरा भारत देश रिचार्ज करने पे मजबूर हो गया। लेकिन अभी भी जिंदा था BSNL। BSNL के ने पूरे देश में हंगामा मचाया और BSNL के साथ अब मिल चुके हैं कौन पता है ना, रतन टाटा। टाटा की कंपनी अब उनसे टाई अप कर चुके हैं और 24 में 4G स्पीड लाने वाले हैं। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 4G 5G से कम नहीं चलेगा। 24 में 4G आने वाला है और 25 में आएगा 5G। लेकिन बता दे, अब ये बोलने की बात और सुनने की बात नहीं रही, क्योंकि अब टाटा ने खुद इससे टाई अप किया है। 15,000 करोड़ का टाई अप हुआ है और पूरे भारत में नेटवर्किंग का जाल बिछेगा और पूरी तरह से अब BSNL पर रोग निर्भर होंगे और सस्ते प्लान में नेट चला पाएंगे। अभी हम एक दुकान पे खड़े हैं, देख सकते हैं अंबार लगा हुआ है BSNL सिम का, देख सकते हैं अंबार, और यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं सिम लेने के लिए। और अब बता दे, कुछ दिनों पहले जो ये सिम को कोई देखना पसंद नहीं करता था, उस सिम को लेने के लिए अब लाइन लगाए हुए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम भी अब BSNL सिम लेंगे और BSNL सिम का फायदा उठाएंगे। और ये एक चीज़ और अनोखी बात बताऊंगा, पहले ग्राहकों से बात कराऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये एक दुकानदार है इटखोरी के और ये एक दुकान है, ये सिर्फ ऐसा दुकानदार था जो BSNL को सिम को जिंदा रखा हुआ था। और BSNL सिम आपको इटखोरी के कोई दुकान में मिलता तो सिर्फ यही दुकान था, और ये दुकान का नाम था ब्यूटी सिंगार स्टोर, जो पूरी तरह से यहाँ BSNL लाकर और पूरे जिंदा रखा हुआ था और सबको BSNL सिम देता था। मैं आज से 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मैं खुद इसी काउंटर से BSNL का सिम खरीदा हूँ और इन्होंने सिम नहीं दिया। सिम इनके पास 94 का नंबर नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपने रिटेलर के पास भेजा और उन्होंने मुझे सिम दिया। उनसे बात कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्राहकों से बात कराएंगे। एक चीज़ बताइए, BSNL को सब छोड़ दिए थे, लेकिन आप क्यों सिम बेचा कर रहे थे? सर, ये सरकारी कंपनी थी और मुझे उम्मीद था कि इनका जब भी टैरिफ रहेगा अदर्स कंपनी से अच्छा टैरिफ रहेगा। अभी फ़िलहाल में कुछ प्रॉब्लम है, जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम खास करके चल रहा था, मुझे इस पर उम्मीद था कि सुधार होगा, इसलिए मैं इस पर टिका रहा। जब से टैरिफ बढ़ा है कैसा रुझान है दर्शक ग्राहकों का, कैसे पहुंच रहे हैं आप लोगों के पास? जब से टैरिफ बढ़ा है 3 तारीख के बाद, 5 से 6 तारीख के बाद, इस तरह से इसका पीक पकड़ा है कि मैं दिन भर एक्टिवेशन जो कर रहा हूँ वो सिर्फ BSNL ही जा रहा है। तो सोच सकते हैं आप, जहाँ BSNL को कोई देखना नहीं चाहता था, BSNL को पूरी तरह से हटाना चाहता था और उसका एक नाम दे दिया था, ये BSNL लगेगा नहीं, भाई साहब ने लगेगा नहीं, लेकिन अब हो गया है कि भाई साहब अब नया चलेगा, यही चलेगा, BSNL चलेगा। यहाँ कुछ ग्राहक है उनसे बात कराऊंगा, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दूं कि अगर ये BSNL का सिम नहीं होता, देखिए ये 4G है, 4G आपको देख सकते हैं अवेलेबल हो चुका है मार्केट में सिम। इससे पहले 3G चल रहा था, वो भी सिम भाई साहब के पास है, यानी कि ये सबसे पुराने दुकानदार BSNL के और इटखोरी में जिंदा रखने वाले दुकानदार BSNL। इनका नाम हुआ गफ्फार जी है ये, और इन्होंने अभी तक BSNL को जिंदा रखा है। मैं अब इससे बात करूंगा, अगर BSNL नहीं रहता तो अगर आज ये तीन बड़ी कंपनियां VI, एयरटेल और जियो अगर 1 महीने का रिचार्ज 1200 का भी कर देती, तो आदत कुछ इस तरह इंसानों को लगा दिया था कि वो 1200 का रिचार्ज कराते और तंगी में वो अपने जीवन को काटते। लेकिन यही सरकारी कंपनी और यही BSNL की कंपनी आज हमारे इंडिया को फक्र से जिंदा रखे हुए हैं और वो तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो अपने टैरिफ को घटाएंगे नहीं, तो इतना तो कभी नहीं कर सकते कि अब बढ़ाएंगे, क्योंकि BSNL के साथ टाइप हो चुका है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि टाटा कंपनी टाइप हो चुका है और 15,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ चुके हैं और पूरे भारत में अब पूरा स्पीड के साथ हमारे BSNL चले गए। अब यहाँ भाई साहब एक ले रहे हैं सिम, उनसे बात कराएंगे। भैया थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका भैया? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा जी, क्यों आप BSNL का सिम ले रहे हैं?
उसमें रिचार्ज थोड़ा बढ़ गया है और प्लस अभी हम लोग स्टूडेंट वगैरह हैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग BSNL का सिम लेना चाहते हैं। BSNL के सिम के बारे में तो पहले कहा जाता कि बहुत रुक रुक के चलता, नहीं लेंगे, लेकिन अब क्यों इस पे पहुंच रहे हैं? क्योंकि उसमें रिचार्ज बढ़ गया ना, हम लोग का उतना नेट अभी चलाने का वो सस्ता नहीं है, सिर्फ कॉल के लिए हम लोग ले रहे हैं और आगे चलकर हो पाएगा, अपडेट तो हो जाएगा। जैसा कि टाटा जी ने बोला, रतन टाटा की कंपनी ने 15,000 का टाइप किया और बहुत जल्दी 4G और 5G दोनों लॉन्च होने वाला है, तो BSNL के साथ ही आप जुड़े रहेंगे? हाँ, जुड़े रहेंगे, क्योंकि अपडेट होने के बाद तो कोई रेट नहीं देखें, बता रहे, फायदा तो इसी में ना है। अभी हम गफार जी से बोलेंगे कि इनका थोड़ा सा हमारे चार्ट दिखाएं, कितना कितना का रिचार्ज है। ये चार्ट निकाल रहे हैं, देखिए चार्ट यहाँ पे दिखा, आप खुद से बता दे गफार जी, क्या क्या का टाइप है, कैसे कैसे है, कितना महीने का, कितना का रिचार्ज है? देखिए इसमें 147 रुपए में 30 दिन कस्टमर को मिल जाता है और 10 GB का डाटा भी मिलता है महीने का, और 319 रुपए में 65 दिन का है, अनलिमिटेड कॉलिंग है 10 GB डाटा के साथ, 300 SMS भी है इसमें, 439 रुपए में 90 दिन के वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल है और 300 SMS। एक मिनट हम रोकना चाहेंगे, देख लीजिए एक रिचार्ज आप देख सकते हैं मेरे उंगली के पास, आप क्लोज करें, 299 का है, पर डे आपको दे रहा है 3 GB डाटा और 100 डे का ये रिचार्ज हो रहा है आपको। कहीं ना कहीं ये अगर आप एयरटेल में करवाते हैं, जियो में करवाते हैं, तो आपको 700 से 800 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। अभी एक ही ग्राहक नहीं है, अभी बहुत सारे ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे। भैया जी थोड़ा सा आप आ जाएं इधर, कहाँ से हैं भैया आप? भैया कहाँ से हैं आप? परसौनी से। परसौनी से, क्या नाम हुआ अभी आपका? सनाउल्ला। क्या क्या क्यों BSNL में जा रहे हैं आप? एयरटेल जियो का इतना रेट बढ़ा दिया जो समझ में ना आ रहा क्या करें सो, इसके वास्ते BSNL ने पोर्ट करा ले रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं सभी की वही दुख भरी कहानी कि फिर से एयरटेल और जियो ने जिस तरह से गले में हाथ रख दिया ग्राहकों का। और बता दे भारत किसान प्रधान देश है, यहाँ पे अधिकतर किसान लोग व्यतीत करते हैं अपना जीवन, और उन लोगों के लिए इतना पैसा अफोर्ड करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों की बात है। अगर BSNL नहीं होता तो एक बार आप सोचें कि क्या दुर्गति होता हमारे भारतवासियों का। तो आप फिर से एयरटेल, जियो और VI के बारे में सोचिए और फटाफट से BSNL को पोर्ट कराएं या नए सिम में कन्वर्ट कराएं। भैया एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि एयरटेल, जियो और VI का सिम BSNL के मतलब बढ़ने के बाद रेट BSNL का सिम ज़्यादा बिका है या ये सबका बिका है? ज़्यादा BSNL ज़्यादा बिका है, डेफिनेटली BSNL बिका। कस्टमर ढूंढ ढूंढ के दुकान मेरे तक आ रहे हैं BSNL का सिम लेने के लिए, क्योंकि पहले के जो रिटेलर में क्रिएट किया था वो रिटेलर काम करना बंद कर चुका था और उन लोगों का सिम अब चर्न हो गया है, कस्टमर परेशान है BSNL सिम लेने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग मेरा दुकान ढूंढ ढूंढ के पहुंच रहे हैं। अभी अपने मुझे न्यूज़ चालू करने से पहले एक शिकायत किया था, वो हमारे चैनल को बताएं, शायद BSNL कर्मी तक पहुंच जाए वो बात, जो अभी आप लोग को दिक्कत हो रहा है सिम चालू करने में। हाँ, सिम जो पहले चालू होता था जो 2 मिनट 10 मिनट में सिम चालू हो जाता था, अब घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग जा रहा है, क्योंकि अचानक से सिम एक्टिवेशन का पीक पकड़ लिया है, लोड बढ़ गया है संचार आधार पे, जो हम लोगों के बीच में दिक्कत आ रही है। कितने देर में एक सिम चालू हो जा रही है? सिम अब चालू होने में कभी कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा लग जा रहा है, कभी ऐसा भी वक्त आया जो दिन भर लग गया, मतलब एक डे में हो जा रहा है? हाँ, सेम डे में तो जरूर। चलिए एक चीज बड़ी खुशखबरी है, ये दुखद खबर नहीं है, ये खुशखबरी है। आपको बता दे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि BSNL का सिम इतना बिक रहा है कि आपको बता दे कि अभी ये जो 1 घंटे और 5 मिनट में जो होता था वो अब एक एक दिन लग जा रहा है, लोग चालू कर रहे हैं। और एक चीज गफार जी, आप जानकार आदमी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, ये बात, आप BSNL सिम बहुत दिन से बेच रहे हैं, टाटा की कंपनियां भी इससे जुड़ने वाली है, तो कैसा फायदा होगा BSNL को? BSNL का फ़ायदा कस्टमर को 3 से 4 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी जहां 3G नेटवर्क ऑलरेडी चालू है वहां भी आप अगर नेट इसका यूज़ करेंगे तो जियो और एयरटेल से ज़्यादा स्पीड दिखेगा, क्योंकि इस पर लोड नहीं है, अच्छा स्पीड, डाउनलोडिंग ब्राउजिंग दोनों की स्पीड बहुत अच्छा है, ये आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं। बाकी इसका रिजल्ट आप 3 से 4 महीने के अंदर देख लेंगे, इसका 4G हर एक जगह नेटवर्क लॉन्च होने जा रहा है। चलिए एक चीज़ बहुत खुशखबरी है हमारे लिए कि अब BSNL भी वो स्पीड दे पाएगी। देखिए कुछ नौयुवक हैं यहाँ पे देख सकते हैं, सब सिम लेने के लिए खड़े हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ BSNL का सिम लेने के लिए खड़े हैं, और BSNL सिम भारत का नंबर 1 सिम कुछ दिन में बनने वाला है, इसमें नो डाउट है, क्योंकि अब BSNL सिम वो कम रेट में और हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है, तो BSNL सिम को कौन नहीं लेना चाहेगा। मैं खुद BSNL सिम ले चुका हूँ और खुद अब मैं रिचार्ज कराऊंगा BSNL में और उसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दिखाने का मकसद यही था कि जिस तरह से #BSNL अब सब कर रहा है, नंबर 1 ट्रेंड पे चला रहा है BSNL को, आप भी ट्रेंड में लाए BSNL को। और देखिए अभी ग्राहक आ ही रहे हैं, आप ग्राहक इसलिए आ रहे हैं कि BSNL सिम होने चाहिए, अब वो एयरटेल जियो और VI से परेशान हो चुके हैं, अब सिर्फ चलेगा तो BSNL चलेगा, और BSNL का सिम धड़ल्ले से बिक रहा है और जल्दी से ही जल्दी पूरे भारत का नंबर 1 ये सिम बनने वाला है। एक बुरी बात जो हमारे BSNL में थी वो मैं भी बताना चाहूँगा, ऐसा ही नहीं कि मैं उनका तारीफ करूँगा, उनका जो BSNL के कुछ जो उनके अधिकारी थे उनमें बात करने का थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टीढ़ा था, जो अब सीधा हो गया क्योंकि टाटा जी उनमें घुसे, टाटा जी उन्हें सिखाएंगे कि किस तरह से कस्टमरों से बात किया जाता है, किस तरह से डील किया जाता है। पहले
थोड़ा सा टैरिफ में या उनसे बात करने में किसी तरह का दिक्कत होता था, अब BSNL में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सभी लोग सुधर जाएंगे क्योंकि अब BSNL सिम भारत का नंबर वन सिम बनने वाला है। और आप भी जो देख रहे हो, आप भी फटाफट से सोच लें कि आपको कौन सा सिम रखना है। तो कैसा लगा न्यूज़ ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां बे न्यूज़। धन्यवाद।